हे गाइस, वेलकम टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस, ये 10th क्लास का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, सॉल्वड। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ यहाँ पे, इसके बाद लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको आंसर्स भी दिखाऊंगी। देखिए, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस हैं गाइस। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, देखिए, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं आपको आपके, इसमें से आपको राइट चूज करना है। तो इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय 18 कैरेट गोल्ड, ये आपका आंसर है बी, 18 कैरेट गोल्ड। ठीक है, द पीपल लिविंग इन कंट्रीज नियर आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स आर फाउंड टू सफर मोर फ्रॉम स्किन कैंसर बिकॉज ऑफ, जो आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन्स के पास रहते हैं वो कौन सी, वो स्किन कैंसर से सफर करते हैं, क्योंकि इसमें से आपको चूज करना है क्यों करते हैं वो। तो इसका आंसर होगा एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आपका सेकेंड क्वेश्चन था, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। सोडियम इज लेस मेटेलिक देन पोटेशियम बिकॉज, तो देखिए इसका बी आंसर है आपका, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय पोटेशियम एटम इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम एटम। ठीक है गाइज, अभी मैं ये आपको पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ताकि आप इसको जब तक करो मैं आपके आगे के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूँ। 12th क्लास के मैं वहाँ पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और अभी मैं 10th का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का एनालाइज करके उसकी भी वीडियो पोस्ट करूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। व्हेन सम डस्ट पार्टिकल्स फॉल इनटू आवर आईज ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म देयर इज इमीडिएट फ्लशिंग ऑफ टेयर्स फ्रॉम आवर आईज टू वॉश देम आउट, दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, जब भी हमारे आंख में कुछ डस्ट पार्टिकल डल जाता है तब हमारे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। ठीक है, उस डस्ट पार्टिकल को फ्लश करने के लिए, तो ये जो रिएक्शन होती है वो इसके द्वारा कोऑर्डिनेट होती है, कंट्रोल होती है। तो ये आपकी होती है स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट पार्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन मेथड, आपका इसका आंसर है डी, लेग्यूमिनस क्रॉप इज ग्रोन बिटवीन टू ग्रेन क्रॉप्स। ठीक है, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके यू आर एडवाइज टू ब्रश योर टीथ रेगुलरली टू प्रिवेंट, किस लिए प्रिवेंट, आपको क्यों एडवाइस किया गया है, क्या प्रिवेंट करने के लिए। बैक्टीरिया ईटिंग टूथ इनेमल, ठीक है, ए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमंड विच मेक्स इट वेरी ब्रिलियंट वेन इट इज पॉपुलरली कट एंड पॉलिश्ड इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ हैविंग 8 टायर्स इंस्टेड ऑफ यूजुअल 4 टायर्स इन अ ट्रक कैरिंग हैवी लोड। ठीक है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो इसका आंसर होगा टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ लोड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, बी, टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ लोड ऑन द ग्राउंड। 9, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ 48 ओम इज कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, इसका आंसर होगा 3 ओम। ठीक है, नेम द किंगडम ऑफ द
लाइफ टू विच मशरूम बिलोंग्स स्टेट टू फीचर्स ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, तो इसका आंसर नीचे आपको मिल जाएगा। दो नंबर का है, तो दो तीन लाइन का है, आप नीचे से देख लेंगे, यहाँ से आप क्वेश्चन पे क्वेश्चंस नोट कर लेंगे। ठीक है, 11 गाइज, ये अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, मेरे अभी जितना सॉल्व हो गया है मैं उसी को पोस्ट कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत खाली टाइम है प्रैक्टिकल को छोड़कर तो आप इसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, इसका बाकी का सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अभी टाइम नहीं है होगा आपके पास इतना सारा सिलेबस कवर करने के लिए, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर कर लेंगे, उससे भी आपके काफ़ी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ढूंढने के लिए या आंसर्स ढूंढने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हो इसके, लेकिन आप इनको क्वेश्चन और आंसर्स को दोनों एक साथ लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आंसर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे तो आपको रिमाइंड रहेगा माइंड में और आपकी कुछ प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो जाएगी। आप जब दोबारा जब थ्योरी की प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो आपके माइंड में रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर वो होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पूरा दिखा देती हूँ मैं, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, आई थिंक 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, 20 सॉल्व हो गए हैं इसमें। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आई हो हेल्पफुल हो तो ज़रूर लाइक करना। ठीक है, ठीक है, 29, 30, ये आपका आंसर स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, 1 मार्क वाले, तो ये आप आंसर यहाँ से देख लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये ओ है। ठीक है, 11 का जो आंसर है 1 वाला ओ और नीचे ए बी, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसका मतलब। ठीक है, बिना क्वेश्चन पेपर पढ़े आंसर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप क्वेश्चन और आंसर ज़रूर लिख लेना, एक कॉपी मेंटेन कर लेना अपनी नोट्स वाली, और ये क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व ज़रूर कर लेना। ठीक है, वीडियो में कोई इश्यू होता है तो कमेंट ज़रूर कर देना। 18 क्वेश्चन पेपर पर आ गया ये थोड़ा ऊपर, चाहिए दिखाती मैं, 18। ठीक है, ये पूरा आंसर है आपका, 19, 19। आपके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देते हैं वो, तो आपका इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, वैसे तो फ़िलहाल नहीं होगा कि आप कोर्स कवर कर पाओ, चैप्टर वाइज पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है पास होने और परसेंटेज बनाने का कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है गाइस, ये यहाँ पे पूरा हो गया, लेकिन इसके आप बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं, ये 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, जो बाकी के सॉल्व हो जाएंगे तो मैं पोस्ट कर दूंगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मैं आपकी हेल्प के लिए आपको ट्रिक्स बता दूंगी आपको लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में कैसे पास होना है। ठीक है, ग्रामर्स वगैरह की प्रिपरेशन
शॉर्ट टाइम में पूरा सिलेबस कवर करा दूंगी मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है इंशा स्टडी सेंटर, वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।